सिजेरियन के बाद क्या डाइट लेना चाहिए या क्या डाइट लेना जरूरी है? सी सेक्शन डिलीवरी दो वजह से हो सकता है, एक तो प्लान्ड सिजेरियन सेक्शन, किसी मेडिकल चीज़ की वजह से डॉक्टर ने आपको पहले से ही बता दिया है कि आप अच्छा दिन देख के आ जाओ, उस दिन आपका सीजर हो जाएगा, या इट्स अ अनप्लान्ड सी सेक्शन। अनप्लान्ड सी सेक्शन मतलब कोई मेडिकल इमरजेंसी है की वजह से आपका सी सेक्शन हो गया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सी सेक्शन के बाद का आपका डाइट कैसे होना चाहिए। प्लीज़ कुछ चीज़ें समझ लो, ये पर्टिकुलर वीडियो हम लोग दो पार्ट में कर रहे हैं। एक पार्ट है कि सी सेक्शन के बाद का आपका डाइट कैसा होना चाहिए। आइडियली सिर्फ पहले 5 दिन का आपका डाइट डिफरेंट होता है कंपेयर टू एनी अदर गर्ल जिसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। सो हम लोग वो 5 दिन के डाइट के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद देर इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज़ अ पोस्ट डिलीवरी डाइट, जो जनरली सी सेक्शन के लिए भी अप्लीकेबल है बट आफ्टर 5th डे और नॉर्मल डिलीवरी वालों के लिए भी अप्लीकेबल है। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें जानेंगे, आपको कौन सी चीज़ें कंपलसरी खानी है, सेकेंड चीज़ आपको कौन सी चीज़ें कंपलसरी नहीं खानी है, और पहले 5 दिन का डे वाइज आपका डाइट का शेड्यूल, कौन से आइटम क्या चीज़ें खाओगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आफ्टर सी सेक्शन टाइम इट्स नॉट अबाउट इलनेस, इट्स ऑल अबाउट हेल्दी चॉइसेस। हेल्दी चॉइसेस इमोशनली, फिजिकली, ईटिंग वाइज। कुछ लोगों को गिल्ट होता है, क्यों मेरा सीजर हो गया, मैंने तो नॉर्मल के लिए ट्राई किया था। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अनईजी होता है। एवरीथिंग इज़ ओके, बट इट्स नॉट द टाइम टू फील इल और टू फील बैड, इज द टाइम टू स्टार्ट मेकिंग हेल्दी चॉइसेस जिससे आपका रिकवरी जल्दी हो जाएगा। इज द टाइम टू फील ब्लिस ऑफ हैविंग अ बेबी, इज द टाइम टू एक्सपीरियंस दोज हॉर्मोनल चेंजेस। यस, इन सब के साथ यू विल एक्सपीरियंस टू थिंग्स। वन थिंग इज अ स्ट्रेस, या स्ट्रेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मैनेजिंग। अगर किसी के घर में हेल्प है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, किसी घर में अगर हेल्प ही नहीं है तो आप कैसे चीज़ें मैनेज करोगे। दिस ऑल इमोशंस आर बाउंड टू बी देयर, बट याद रखना दिव्या ऑलवेज सेज से बच्चा कभी भी वापस 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का नहीं होने वाला है। सो यू नीड टू लर्न टू एन्जॉय दिस फेज। सो यू माइट बी हैविंग अ बिट ऑफ अ स्ट्रेस अबाउट ऑल दिस थिंग, एंड सेकेंड थिंग, देर विल बी पेन। देर इज़ अ पेन अबाउट द स्टिचेस दैट यू हैड, और उससे जो भी रिकवरी होते वक्त जो भी दर्द होता है वो हो रहा है। आपको दवाइयाँ दी हुई है, आपको सलाइन में से दवाइयों का टॉपअप दिया जा रहा है, एंटीबायोटिक दिए जा रहे हैं, पेन किलर दिया जा रहा है, एंड दिस थिंग्स विल बी डन सो दैट डॉक्टर आपका थोड़ा सा फास्टर रिकवरी ऑब्जर्व कर सके। डॉक्टर अपने हिसाब से ये सब चीज़ें मैनेज करता है। प्लीज़ ध्यान रखना, अगर कोई दवाइयाँ दी हुई है तो टाइम से लेना एंड फॉलो योर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन। नाउ खाने के बारे में, डाइट कैसा होना चाहिए। यूजुअली आपका डाइट 3 चीज़ों को बहुत मेजरली अफेक्ट करता है, आपका हीलिंग, आपका बॉवल मूवमेंट, आपका रिकवरी। सो हीलिंग ऑफ योर वुंड्स, योर स्कार, योर बॉवल मूवमेंट, दैट्स कॉन्स्टिपेशन, नॉट फीलिंग कॉलिक, अ प्रॉपर डाइजेशन, एंड थर्ड इज़ योर रिकवरी, योर रिकवरी फ्रॉम दैट होल थिंग। रिकवरी हमको ऐसे करना है कि आपका ब्रेस्ट फीडिंग फ्लो भी बहुत अच्छे से सेट हो जाए। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू ऑफ द मिथ्स। कुछ लोगों के ऐसे मिथ्स है कि सीजर के बाद आपका खाना बहुत माइल्ड होना चाहिए, आपको राइस वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, अगर आपने फ्रूट खा लिया तो आपके सीजर के टाके में पस हो जाएगा, अगर आपने पानी पी लिया तो आपका पेट वैसे ही रह जाएगा, सीजर वाली मम्मा ने बिल्कुल भी मूवमेंट्स नहीं करना है, एकदम जेंटल लुटना है, एकदम स्लो होना है। याद रखना, इफ़ यू स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक अ पेशेंट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर। सो सीजर के बाद यूजुअली फर्स्ट डे आपको, सीजर के पहले रादर, इफ इट्स अ प्लान सीजर, आपको एटलीस्ट 6 to 7 hours नील बाय माउथ, इट्स कॉल्ड NBM रखा जाता है, जहाँ पे डॉक्टर आपको बोल देता है कि आपको पानी भी नहीं पीना है, खाना भी नहीं खाना है। ये जो स्टेट है, यही स्टेट कंटिन्यू रहेगा डिलीवरी के बाद भी 6-7 घंटे के लिए। सो पहले 6-7 घंटे और बाद में 6-7 घंटे आप नील बाय माउथ हो, दैट्स NBM। सो श्रेया, इस ड्यूरेशन में हमको बहुत प्यास लग रही है, बहुत पानी पीने का इच्छा हो रहा है, दैट इज बाउंड टू हैपन बिकॉज बाई नेचर वी आर अ पीपल जो बहुत थर्स्टी फील करते हैं, स्पेशली जब हमको पता है कि हमको पानी नहीं पीना है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो आप डिलीवरी के पहले और डिलीवरी के बाद के 6 से 8 घंटे में कर सकते हो। आपको हैंकर चीफ या रुमाल कुछ भी चीज़ लेना है,
उसको पीने के पानी में डिप करना है और सिर्फ लिप्स को पोंछना है. अगर लिप्स ज़्यादा ड्राई नहीं पड़ते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट आपको प्यास लगने का जो फीलिंग है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है. आफ्टर अराउंड 6 to 8 hours डॉक्टर अपने स्टेथोस्कोप से आपके पेट के ऊपर चेकिंग करते हैं. दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू चेक इज़ योर बाउल मूवमेंट्स. सो अगर अंदर बाउल मूवमेंट्स चालू हो गए, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन कि बॉडी अभी थोड़ा बहुत पानी एक्सेप्ट कर पाएगा. एंड देन डॉक्टर स्टार्ट ऑफरिंग और स्टार्ट टेलिंग यू दैट आप सिप बाय सिप पानी ले लो. तो एक सिप पानी, फिर एक डेढ़ घंटे बाद एक सिप पानी, फिर एक डेढ़ घंटे बाद एक सिप पानी. और डॉक्टर आपको इसमें बताता है अगर आपको नौशिया जैसा फीलिंग हुआ, वॉमिटिंग हुआ, बहुत अनईजी अगर फीलिंग आता है तो आपको डॉक्टर को अपडेट करना है. अगर आपको ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आता है तो आप ये सब चीज़ें ले रहे हो. याद रखना, आप पूरी तरह से उठ के बैठे नहीं हो अब तक, यू आर स्टिल स्लीपिंग. आपकी बाथरूम की जगह के ऊपर कैथेटर लगाया हुआ है, नीचे बाथरूम कलेक्ट करने के लिए बैग लगाया हुआ है, आपके हाथ में सलाइन की सिरिंज डाली हुई है, ऊपर से सलाइन में से दवाइयाँ या जो भी डॉक्टर को मेडिसिन आपको प्रोवाइड करना है वो काम भी चालू है. अलॉन्ग विद डैट यू हैव सिप बाय सिप वाटर. सो अराउंड आफ्टर फ्यू आवर्स हैविंग दो सिप बाय सिप वाटर प्रॉब्ली 2 to 4 times, और अगर आपके मुँह से कोई भी कंप्लेंट नहीं आया एंड यू हैव बीन डूइंग गुड, देन डॉक्टर शिफ्ट्स यू ऑन लिक्विड्स. लिक्विड्स में आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हो? यूजुअली ये चीज़ें, सो जैसे मैंने बोला 7 से 8 घंटे आप नील बाय माउथ हो, और अदर एल से 6 से 8 घंटे आप नील बाय माउथ हो, उसके बाद पानी शुरू हो जाता है, उससे 2 से 4 घंटे बाद डॉक्टर माइट शिफ्ट यू ऑन लिक्विड डाइट. ये सब चीज़ें डिपेंड करती है आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो, आपका बॉवल कैसे रिस्पॉन्ड करता है, आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है. सो टाइमिंग्स माइट वैरी. उसके बाद डॉक्टर आपको जब भी लिक्विड डाइट पे डालता है तो भी आप जूस, सूप, नारियल पानी, खीर, पतला बनाया हुआ खीर, ये सब चीज़ें ले सकते हो, चाय, कॉफ़ी. चलिए ये सब चीज़ें डॉक्टर आपको बोलते हैं कि डेढ़ दो घंटे के गैप से उनको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऑफ़र करते रहो. सो इट डिपेंड्स ऑन आपके आसपास क्या अवेलेबिलिटी है, वो आप कंज्यूम कर सकते हो. Then again they will observe you for few hours how your body responds to those liquids. अगर 2, 4, 6 घंटे की गैप के बाद डॉक्टर को ऑब्जर्व होता है कि नहीं आप तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपका बॉयल मोमेंट भी एक्टिव हो गया है, मोस्ट ऑफ द टाइम बाय दिस टाइम आपका कैथेटर मतलब बाथरूम की जगह पे जो नली लगाया हुआ है वो निकालने का टाइम हो जाता है. यूजुअली ये 1 से 1.5 दिन के बाद फ्रॉम द टाइम ऑफ योर डिलीवरी. सो 24 hours to 36 hours के आसपास वो कैथेटर निकलता है. अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ योर बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग, आपकी यूरिन का क्वांटिटी कितना है, और बहुत सारे मेडिकल पैरामीटर्स जो डॉक्टर्स चेक करते हैं बिफोर दे आर गोइंग टू रिमूव द कैथेटर. तो यूजुअली कैथेटर निकल जाता है. अगर नहीं भी निकला है तो दिस इज़ द टाइम जब भी आपको बेड खड़ा करके यूजुअली बैठाने की स्टार्ट हो जाती है. बैठाने के बाद they will start offering you soft solids. Soft solids मतलब पहले तो डॉक्टर आपको बोलते हैं आप चाय बिस्किट, कॉफ़ी बिस्किट या ऐसा कुछ ले लो, एंड देन 2 hours अगेन यू डोंट टेक एनीथिंग. सो प्रॉब्ली आफ्टर डिलीवरी आपका पहला सॉलिड है जो आपने कंज्यूम किया है. अगर आप ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हो देन दे शिफ्ट यू टू द सेमी सॉलिड डाइट. सेमी सॉलिड में आ गया पतला खिचड़ी, थोड़ा सा थिक खीर, थोड़ा सा थिक सूप. सो ये चीज़ों के ऊपर आप शिफ्ट हो जाते हो. एंड अगेन आफ्टर प्रॉब्ली 6 to 8 hours आफ्टर दिस पतला उपीट भी ले सकते हो आप इस टाइम में. लाइक पतला सा बना हुआ उपमा, यू कैन हैव ओट्स पॉरेज, देन यू कैन हैव शीरा जो हम लोग बोलते हैं, गेहूँ के आटे का शीरा जो बोलते हैं, पतला गेहूँ के आटे का खीर, नाचनी के आटे का खीर, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हो. उसके बाद सेमी सॉलिड भी अगर आपने अच्छे से डाइजेस्ट कर दिया 99% बाय 3rd day evening या 4th day morning डॉक्टर आपको रेगुलर खाने पे शिफ्ट कर देता है. रेगुलर खाना मतलब क्या? रोटी, सब्जी, दाल, चावल, एवरीथिंग द वे एनी नॉर्मल डिलीवरी गर्ल विल हैव. सो प्रॉब्ली बाय 4th day morning आप उस खाने पे शिफ्ट हो रहे हो जो नॉर्मल डिलीवरी वाली लड़की ने डिलीवरी के दिन से ही खाना शुरू कर दिया है. तो आपको पहले 4 दिन का डाइट जो है, 4th day से यू स्टार्ट विथ योर नॉर्मल फूड. कैन आई हैव नॉर्मल फूड? यस. अगर आपको डॉक्टर ने परमिशन दे दी है नॉर्मल खाना खा लो तो आपको नॉर्मल खाना खाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी क्या चीज़ें आपको 100% नहीं खानी है या नहीं लेनी है? जैसे आपको स्पाइसी फूड नहीं लेना है.
सेमी सॉलिड हो, आपका सूप बनाया हुआ हो, आपका प्रॉपर खाना हो, आपको स्पाइसी फूड नहीं लेना है. बिकॉज स्पाइसी फूड विल स्टार्ट क्रिएटिंग इरिटेशन इन योर बाउल. इट माइट गिव यू एसिडिटी ऑल्सो. ऑलरेडी आप भूखे हो, आपको दर्द हो रहा है, तो नींद इतना पीसफुल नहीं हो रहा है. अगर ऑन टॉप ऑफ दैट यू स्टार्ट ईटिंग एनीथिंग दैट इज स्पाइसी, तो आपको एसिडिटी होना शुरू हो सकता है. सो दैट यू नीड्स टू टेक केयर ऑफ. सेकेंड थिंग, आपको कुछ भी कॉली की नहीं खाना है. जैसे चने की दाल खा ली, पूरन पोली खा ली, तो कॉली का आइटम कुछ भी नहीं खाना है आपको. होल ग्रेन खा लिए, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है विच आर लिटिल हेवी फॉर डाइजेशन, स्पेशली इन फर्स्ट फूड केस. उसके बाद आपको कोई चीज़ स्पेसिफिकली अवॉइड करनी है. दैट मीन्स मतलब एनी काइंड ऑफ अ बेकरी आइटम और एनी काइंड ऑफ अ स्टार्च आइटम, जैसे साबूदाना, दैट यू नीड टू अवॉइड. ब्रेड, पाव, बन, बन मस्का, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड इज एनी काइंड ऑफ अ कोला ड्रिंक्स और अ सोडा ड्रिंक्स. जैसे कोल्ड ड्रिंक्स है, आर्टिफिशियल रसना है, कैंड फ्रूट जूसेस है, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड अवॉइड. आपको अगर कुछ लेना है, आप फ्रेश फ्रूट जूसेस ले सकते हो. दे विल डू लॉट ऑफ गुड टू यू, बट डेफिनेटली नॉट द कैंड फ्रूट. तो प्रिजर्वेटिव जिन जिन चीज़ों में होता है, वो सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है. सो दिस वेंट अबाउट योर डाइट प्लान फॉर फर्स्ट 4 days, एंड द फिफ्थ डे इज गोइंग टू बिगिन. सो फिफ्थ डे ऑनवर्ड्स का आपका जो भी डाइट है, दैट वी गोइंग टू शेयर इन अ सेपरेट वीडियो अबाउट पोस्ट डिलीवरी डाइट. सो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना. नाउ आई हैव शेयर्ड अबाउट क्या चीज़ें आपको नहीं खानी है. द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, क्या चीज़ें आपको कंपल्सरी इंक्लूड करना है इन दिस फर्स्ट 4 days डाइट. प्रीफरेबली आपको देखना है कि जैसे ही डॉक्टर आपको लिक्विड बोल दे, प्रीफरेबली हैव फ्रेश फ्रूट जूसेस, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू ब्लीडिंग. यूजुअली फर्स्ट 5 to 10 days ब्लीडिंग थोड़ा सा हैवी रहता है. सो टू रिकवर फ्रॉम दैट यू नीड लॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. सो हैविंग फ्रेश फ्रूट्स विल एक्चुअली हेल्प यू. फ्रेश फ्रूट के जूसेस में और एक पॉजिटिव चीज़ होता है विच इज़ विटामिन सी. सो आप फ्रेश जूस में कौन से फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं, नथिंग लाइक दैट. ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस, दे ऑल आर वेरी गुड. एनी काइंड ऑफ अदर जूसी फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन जूस, आइस वाइस डाल के मत लेना. प्लेन जूसेस, दे विल डू लॉट ऑफ गुड टू योर बॉडी. प्रिफरेबली आपके डाइट में एटलीस्ट 1 fruit होना चाहिए जब भी डॉक्टर आपको फ्रूट लेना अलाउ करते हैं. सो फ्रूट्स अगेन हेल्प यू फॉर अ फास्टर रिकवरी. थर्ड थिंग दैट यू नीड टू अवॉइड इज बहुत स्पीड में खाना. सो यू नीड टू इंश्योर दैट आप बहुत अच्छे से मंच करके खाओ आप जो भी चीज़ खा रहे हो, सो दैट यू आर वेरी पीसफुल इन योर रिकवरी. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्स. सो यू कीप कंप्लेनिंग अबाउट पेन, बट पेन हो रहा है, आई अंडरस्टैंड पेन हो रहा है. टॉक टू डॉक्टर, टेक योर मेडिसिंस ऑन टाइम, वेर एवर यू कैन मैनेज, ट्राई एंड मैनेज पेन, कैरी अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस. सी रिकवरी इज ऑलवेज फास्टर फॉर दोज हु एक्सेप्ट दैट पेन एंड गो अहेड विद द होल थिंग. सो दिस इज वॉट वी नीड टू डू, नॉट टू कैरी एनी गिल्ट, नॉट टू फील सैड. वॉट हैज हैपेंड हैज हैपेंड, एंड नाउ वी हैव टू मेक दिस हेल्दी चॉइसेस सो दैट योर ब्रेस्ट फीडिंग फ्लो इज सेट एंड योर रिकवरी इज फार बेटर एंड फास्टर. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, enjoy your time, and yes, Caesar is not an illness, it's a time to make healthy choices. Thank you so much, and bye.